स्टार्ट गाड़ी है, देख सकते हो कुछ स्टार्ट है। ठीक है, बाकी ये देखो क्रोम के अंदर लेदर लगा हुआ है। इसके दो पावर विंडो ऑटो है, खुद खुल पाओगे, बाकी दो ऐसी हैं, रिटेक्टेबल मिरर है। ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी मैंने बंद किया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी शोरूम में खड़ी हुई है भाई। देखो ये भाई डिग्गी भी यहाँ से खुलेगी, ये डिग्गी का हो गया, ठीक हो गया। देखो वो जो है ना वो हो जाएगा बोनेट के लिए। ठीक है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल, इसके अंदर एक ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका स्टेयरिंग है भाई, देख लो ये मल्टीमीडिया स्टेयरिंग। सारे एयर बैग एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो ही आते हैं। मतलब फ्री नहीं किया, ठीक है, थोड़ा सा फ्री कर दिया लोगों ने, मतलब होंडा वालों ने। क्रूज कंट्रोल दे गया, मल्टीमीडिया स्टेयरिंग व्हील दे गया भाई। ये देखो अभी गाड़ी में स्टार्ट कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये इसका स्पीडोमीटर हो गया। ये तो सिर्फ इको एक मोड है, बाकी कोई मोड ही नहीं है भाई, क्या मजाक कर रहे हो यार। ठीक है, ये इसका वो है हैंड ब्रेक, यहाँ पे हैंड ब्रेक नहीं होता, इसका बटन वाला हैंड ब्रेक होता है, ब्रेक होल जो भी होता है। ठीक है, होता वही है भाई, ये नहीं हो रहा जो भी होता है। ठीक हो गया, अब ये देखो ये भी वही है। अभी रुक जाओ, आपको मैं डैशबोर्ड को, इसमें एक ही डैशबोर्ड है, यूँ करके खुलता है ये। ठीक है, ठीक हो गया। ये देखो वहाँ पे, वहाँ से जैसे आप ये देख सकते हैं पैसेंजर वाली साइड पे, इसमें आपको आप वहाँ से भी वो कर सकते हो। ये देखो यहाँ से भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हो अपनी विंडो को। ठीक है, बाकी गाड़ियों में सिर्फ यहाँ से होता है ड्राइवर सीट के, मगर उसमें यहाँ से भी होता है। ठीक है, ये देखो सनरूफ आ जाएगा एक। ठीक है, बाकी यहाँ से इसका पूरा कंट्रोल है। क्या भाई देख सकते हो, खूबसूरत लग रहा है। ये बीच में एमरजेंसी लाइट हो गई, ये पूरा क्रोम का काम हुआ है जो बात है। यहाँ पे ये लाव है, डब्बू डब्बू तो नहीं है यार, नहीं है डब्बू, नहीं है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया भी नहीं भाई, है तो मल्टीमीडिया मगर एलसीडी लगी हुई है भाई। ये ऑटो का ये कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे होम। ठीक है, ठीक है, बाकी ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है इसका, देख सकते हो ऑटो है, पूरा ऑटो है। ठीक है, उसके बाद ये घेयर, इसका घेरना भी रहा, चेक करो। ये देखो एक कप होल्डर यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी ये पता नहीं अभी खुलता है नहीं खुलता है, मुझे पक्का पता नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जगह बहुत है भाई। ठीक है, ये कंपार्टमेंट यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ डेंटिस्ट रखने के लिए इन लोगों ने कंपार्टमेंट, बाकी यहाँ पे एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो देखो वहाँ पे बॉटल रखने के लिए कुछ कंपार्टमेंट है। ठीक है, अगर आप कोडू हैं तो इसको ऊपर कर सकते हो सीट को। ठीक है, आगे पीछे से होगी, आगे पीछे नहीं, आपका जो बैक रेस्ट है ये इससे आगे पीछे होगा। बाकी गाड़ी में पूरी कारपेट लगी हुई है, ये मुझे पता नहीं है, ये अगर किसी पता है तो बता दे कि कंपनी की फिटेड है या आफ्टर मार्केट लगी हुई है, पता नहीं। तो यार अभी हम लोग उतारते हैं गाड़ी से, आपको बाहर का इंटीरियर एक्सटीरियर दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं पीछे सिविक का लोगो, होंडा का लोगो, 1.8 आईवीटेक ओरियल, खूबसूरत लाइट लगी हुई है, पीछे ABS WS है। ठीक है, ये देखो कंपार्टमेंट है, ये स्टेपनी व्हील आ गया। ठीक है, ये देख लो आप लोग। ठीक है भाई, ये देखो कारपेट हुई हुई है यहाँ पे। ठीक है भाई, साइड की लुक में आ जाओ तो साइड चुम्मा है भाई, साइड मिरर आपको आगे से दिखा दो, बाकी फॉग लैंप्स लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये है भाई, यहाँ पे कंपार्टमेंट डेकोर दे दिया, ये लॉक अनलॉक, फिर बल्कि यहाँ पे ये दिया हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे लटकाने के लिए, जो बात अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अभी मैं आया हूँ न्यू कार कॉम्प्लेक्स खादिम वली रोड चेज वैल्यू के सामने, समझ आई, इसके सामने आपको खान मोटर्स भी मिल जाएगा। अगर किसी को गाड़ी लेनी है तो आके भाई बात कर लो। ठीक है,
है तो अपने शोरूम, ठीक है, लॉस।